सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ होंडा फिट आरिया 2005 मॉडल का। ये एक थाईलैंड वेरिएंट है और पाकिस्तान में इसको हम होंडा सिटी के नाम से जानते हैं। तो आज इसका रिव्यू करता हूँ 2005 मॉडल का और देखते हैं क्या क्या फीचर प्रोवाइड करती है। हेलोजन लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, फॉग लैंप्स, फ्रंट पर आपको क्रोम मिलेगा विद होंडा एम्बलम, साइड पर आपको टायर दिखा दूँ, नूलॉक पर टायर है, ग्राउंड क्लीयरेंस इज गुड, साइड पर वाइट कलर के बॉडी, साइड मिरर्स मिलेंगे आपको, टर्न सिग्नल कोई नहीं है, बॉडी के लिए डोर हैंडल्स ही आपको मिलेंगे। इस पर बैक पर आ जाते हैं होंडा फिट आरिया जिसको हम सिटी के नाम से जानते हैं, बैक पर भी आपको क्रोम मिलेगा सारा। और थोड़ा सा बैक से आपको दिखाता चलो कुछ इस तरह की है। होंडा फिट आरिया और या सिटी 2005 के अंदर मैं आ चुका हूँ। ऐसे बैग आपको स्टीयरिंग व्हील पर मिलेगा, एक आपको डैशबोर्ड पर मिलेगा, 7-speed मोड है और ये आपके गियर शिफ्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स का स्विच मौजूद है और मिरर एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साइड पर आपके पास ड्राइवर साइड वाली ऑटोमेटिक पावर विंडो है, जो के बाकी जो हैं वो मैनुअली पावर विंडोज़ हैं। वुडन पैनल आपको मिलता है, वुडन ट्रिम, काफ़ी खूबसूरत। क्रोम डोर ओपनर आपको मिलेंगे इसके अंदर, स्टीयरिंग व्हील पर कवर इंस्टॉल है, एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग आरपीएम मीटर, आपको गियर इंडिकेशन मिलेगी इसके अंदर, और गियर लीवर का मैं दिखा दूँ, पार्किंग लीवर्स, और यहाँ पर भी आपको वुडन ट्रिम, वुडन पैनल मिलेंगे। दो कप होल्डर मौजूद हैं आपके पास आगे, आपके पास यहाँ पर सिगरेट लाइटर मौजूद है, आपके पास यहाँ पर एश ट्रे है, फैन ऑफ ऑटो पर कर सकते हैं, बोर्ड सेलेक्टर मौजूद है आपके पास, टेम्परेचर कंट्रोल मौजूद है, ऊपर आते जाएँ तो एसी, एयर इनटेक, डिफ्रॉस्ट, और बाकी ये आपका बेसिक डिस्क इंसर्ट आप कर सकते हैं, और बाकी स्पीकर सिस्टम है। ये आपके हैजर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर, स्पेस ऊपर मैं आपको दिखा दूँ, नीचे दिखा दूँ, दो कलर का कॉम्बिनेशन है, नीचे बीज है। दरवाज़ा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको फैब्रिक, वुडन ट्रेम, पावर विंडोज़, इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर और साथ स्टोरेज स्पेस मौजूद है, यहाँ पर सीट कवर, और ड्राइवर साइड के साथ आपके पास आर्म रेस्ट मौजूद है, लेकिन दरमियान में आप देखेंगे बैग पर आपका फोल्डर मौजूद है, बाकी हैंड ब्रेक है, बेसिक सेटअप है सारा। ऊपर बात कर लें वैनिटी मिरर, लाइट मौजूद है आपके पास जिसको हम अभी चेक करेंगे, और लेफ्ट साइड पर भी आपके पास वैनिटी मिरर इंस्टॉल्ड है। फैन वगैरह हमने इसको ऑन कर दिया, इसका हीटर टेस्ट करते हैं, हीटर पिक कर देते हैं इसको और अप एंड डाउन कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिसेंट थ्रो मुझे ये प्रोवाइड कर रही है इस वक्त। दो वेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, राइट पर, लेफ्ट पर मौजूद हैं, ये आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स, बाकी इसके टर्न सिग्नल जो हैं राइट पर ही हैं। पर मैं आ चुका हूँ और लेग स्पेस काफ़ी डिसेंट है, हेड स्पेस भी जो है काफ़ी डिसेंट है मेरा। आपके पास एक क्रोम डोर ओपनर मौजूद है, साइड पर पावर विंडोज़, और बैक पर आपके पास एसएसएस एयर बैग वगैरह कोई मौजूद नहीं है। सीट्स की बात कर लेते हैं, दरमियान में आप ये सील्ड आगे भी कर सकते हैं जिसको हम चेक करेंगे। आपके पास एडजस्टेबल दो हेडरेस्ट मौजूद हैं, इसके अलावा दरमियान में हेडरेस्ट मौजूद नहीं है। रियर फ्लोर इसका फ्लैट है जिसकी वजह से जो दरमियान में बंदा बैठेगा वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, यू कैन कॉल इट अ रेस्ट ट्रे, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम द बैक साइड। लेकिन हेड स्पेस और लेग स्पेस जो है काफ़ी डिसेंट है, मैं आपको फासला दिखा सकता हूँ, आई एम अराउंड 6'1" और काफ़ी डिसेंट स्पेस है बैक पर। फिट आरिया 2005 मॉडल की हम ट्रंक स्पेस चेक करते हैं और इंसर्ट करके ओपन कर लेते हैं। ट्रंक स्पेस अब इसके अंदर बहुत इंप्रेसिव है, आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मैं थोड़ा कैमरा अंदर ले जाता हूँ और ये आपको मैं दिखा पाऊँगा, एंड स्टिल गोज ऑन एंड ऑन। ये आपका आ जाता है स्पेयर व्हील, ये आपकी विंड के लिए होते शीशों के लिए, और बाकी आपको मैं पीछे से दिखाता चलूँ, काफ़ी डिसेंट स्पेस है इसके अंदर, लगेज कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छी है गाड़ी। आरिया की इंजन साइड पर मैं आ चुका हूँ, IDSI 1500 CC का इंजन है,
साथ में AGS की बैटरी इंस्टॉल्ड है एंड इट इज द थाईलैंड मॉडल। अब इसके एवरेज की बात कर लेते हैं, ये 12 से 13 की अभी तक ये एवरेज इसमें सुनाई दे रही है कि सिटी पे कर रही है, और मैक्सिमम ये अभी तक जो सुनाई दे रही है वो 14 किलोमीटर की है। तो आप इससे 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाड़ी से। अब माइलेज वाइज देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। बाकी थोड़ा सा साइड लुक अगर मैं आपको देता चलूँ गाड़ी का, तो कुछ इस तरह की है। गाड़ी ऊँची भी है और गाड़ी काफ़ी स्टेबल भी है। जब आप हाई स्पीड 120 पे जाते हैं तो इसके अंदर मुझे इस तरह की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई अभी तक कि गाड़ी कोई लैग करती हो या गाड़ी वॉबल करती हो। तो काफ़ी स्टेबल गाड़ी है और फैमिली के लिए, जैसा कि ट्रंक्स पे सामने देखिए इस गाड़ी की, तो लगेज भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इंजन वाइज भी गाड़ी ठीक है, क्योंकि 1500 सीसी का इंजन एक इनफ होता है एक गाड़ी के लिए। बाकी 14 किलोमीटर तक की आप इसे एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको रिव्यू पसंद आया होगा, होंडा फिट आरिया 2005 मॉडल, थाईलैंड मॉडल है ये, बेसिकली होंडा सिटी के नाम से पहचानी जाती है। इस गाड़ी की प्राइस है 10,10,000 रुपये, आपको जापान मोटर्स जीनियर मार्केट इस्लामाबाद से मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर बाहर से डिटेल पिक्चर मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दूंगा, देखना मत भूलिएगा। लाइक से सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। अब मैं आपको थर्ड रिस्पॉन्स सुना दूँ इसका, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको।